नीला सियार की कहानी। चंद्रब नामक एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों के देखा तो उस पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर चंद्रव वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। चंद्रव उसमें छुप कर बैठ गया। वह रात भर वहीं छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। चंद्रव ड्रम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देख चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नील कोला चूहा था। उस नील का रंग चंद्रव के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देख डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे भागने लगे। चंद्रव ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार कौंधा। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मित्रों मुझसे मत डरो, मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोगों की सुरक्षा ही जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम मेरे राज में आनंद से रहो। सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसने शेर को अपना मंत्री, चीते को अपना सेनापति और भेड़िए को अपना संतरी नियुक्त कर लिया। सियरों को उसने जंगल से निकाल दिया क्योंकि उसे उनके द्वारा पहचाने जाने का डर था। अब चंद्रव के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी कर जंगल में घूमता, शेर चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह चक्कर उसका भाषण करता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। दिन बड़े ही शांतिपूर्ण रीति से गुजर रहे थे। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता? एक ना एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक सुबह चंद्रव सोकर उठा और अपनी मंद से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियरियों की हुआ हुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी। चंद्रव आखिर तक तो सियर ही। वह भूल गया कि उसने अन्य जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे दूत होने का नाटक किया है और वह भी मध्यस्थ होकर हुआ हुआ चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज़ सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक सियर है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बना बैठा है। जब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े, चंद्रव ने भागने का प्रयास किया किंतु शेर चीते के पंजों से बच ना सका और मारा गया। सीख: जो अपनों को टूटाकर परायों को अपनाता है
उसका नाश हो जाता है। जूट की उम्र लंबी नहीं होती, जब वह कुलाता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है।